मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर फोर लेन पर अग्रवाल परिवार गरीब लोगों की सेवा करने में तत्पर है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का सबसे बड़ा संकट गरीब मजदूर झेल रहे हैं, जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में गए हुए थे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की, वैसे ही मजदूरों के पैरों तले धरती खिसक गई। मजदूर मजबूर हो गए, वो इसलिए कि सारे काम धंधे बंद हो गए। ऊपर से जिनके यहाँ काम करते थे उन्होंने भी बेसहारा छोड़ दिया। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, ऐसे में उन्हें मजबूर होकर अपने घरों की ओर जाने वाली सड़क नापनी पड़ी। सड़क नापते नापते बेचारे कई मजदूरों ने तो रास्ते में ही भूख प्यास से दम तोड़ दिया, तो कई दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए। आखिर इन मजदूरों का क्या कसूर था, जिनका इस देश में हर कुछ बनाने में बड़ी भूमिका रही है और मुसीबत की घड़ी में उन्हें रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी मानवता जिंदा है। बिना स्वार्थ के इन दिन दुखी मजदूरों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन है जरूर। ऐसी ही एक मिसाल पेश कर रहे हैं अग्रवाल परिवार, जिनका मकसद संकट की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। आपको बता दें कि धार जिले के बदनावर फोर लेन पर अग्रवाल परिवार ने ना सिर्फ गरीबों के लिए बल्कि हर भूखे प्यासे को भोजन कराने तथा शुद्ध जल पिलाने का बीड़ा उठाया है। यहाँ पर सैकड़ों राहगीर इसका लाभ ले रही हैं। समाचार एक्सप्रेस से बातचीत में राजेश अग्रवाल ने बताया कि यह भोजन पानी के साथ बिस्किट जरूरी दवाई भी निःशुल्क उपलब्ध करवा रही हैं। इस पूरी व्यवस्था के लिए हम किसी से भी चंदा दान नहीं ले रहे, बल्कि हम खुद वहन कर रहे हैं। हमारा पूरा अग्रवाल परिवार यहाँ लगा हुआ है। इस संकट की घड़ी में ऐसा काम करने का हमें जो सौभाग्य मिला है उससे हम प्रसन्न हैं। जब मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा ने इस पूरी भोजन व्यवस्था पर राजेश अग्रवाल से बातचीत की तो क्या कुछ कहा राजेश अग्रवाल ने, आइए आपको दिखाते हैं। अमर वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर। आज हम दिखाएंगे कि समाज सेवा क्या होती है। आज कोरोना की महामारी देश नहीं बल्कि विश्व में संकट फैला हुआ है। ऐसे में सरकार ने भी मजदूरों को बेसहारा कर दिया है। मजदूर मजबूर है, आज रोडों पर चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट से दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं पैदल चल रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ऐसे लोग भी जिंदा हैं जिनके मन में उनकी भावनाएं इतनी जागृत है कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बड़ी स्टॉल लगाकर उनको खाना पीना, यहाँ तक कि उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजेश अग्रवाल बदनावर के, जो समाज सेवा का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रोज वो कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को भोजन निःशुल्क सेवा उत्पन्न करा रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं राजेश अग्रवाल जी से। राजेश अग्रवाल जी, ये जो आप सेवा कर रहे हो, निःशुल्क भोजन कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जब हमें याद हुआ कि हजारों लोग हमारे गांव के पास से गुजर रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, और भूखे प्यासे लोग रोड पे निकल रहे हैं। मेरा छोटा भाई रोज सेवा करता था, सेव परमल बिस्किट देता था उनको, लेकिन अभी पिछले 15-20 दिनों से अधिक मात्रा में मजदूर लोग जाने लगे, और जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, साहब हमने कल से कुछ खाया पिया नहीं, तो हमको लगा सेव परमल से पर्याप्त सेवा नहीं हो पाएगी। तो हमारे परिवार ने तय किया कि सभी जितने भी लोग यहाँ से निकले उन सबको भरपेट भोजन किया कराया जाए और उनको पूरा उनका साथ दिया जाए। ये सेवा प्राप्त करके मजदूर लोग और कैसे उनका चेहरा किस प्रकार से आप देखते होंगे, उनका कैसा खिल जाता होगा? अरे हमें तो भगवान नजर आते हैं, हमें ठाकुर जी, छोटे छोटे बच्चे जब हम उनको बिस्किट खिचड़ी देते हैं, जब उनके चेहरे पे मुस्कान आती है तो साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, साक्षात भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। जब लोग दुआएं देते हैं, लोग कहते हैं दो दिन से कुछ नहीं खाया साहब, हमारे को कोई रुकने नहीं देता, पानी पीने के लिए भी किसी गांव में रुको तो लोग डर के मारे हमें भगा देते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं है, हर कोई सेवा करता है, लेकिन कोरोना का डर इतना है कि लोग किसी को भी भारी व्यक्ति को पानी पिलाने में भी डरता है। इसलिए लोगों का जब ये वेदना मालूम पड़ी तो हमारा पूरा परिवार यहाँ लगा, मेरे सब साथी लोग लगे, और हर व्यक्ति जो भी यहाँ आता है उसको दूध, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट, खिचड़ी, दवाई, जूते चप्पल, कपड़े, और उनको बढ़िया भोजन के साथ में
उनके चाय ऐसी हमने तमाम यहाँ व्यवस्था की और यहाँ हजारों लोग नित्य आ रहे हैं, 2-3 हजार लोग रोज आते हैं, जिनका हम बड़े खुशी महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हम पे मेहरबानी करी कि ऐसे वक्त पे हमें प्रेरणा मिली और हम हिम्मत कर पाए इन बेसहारा मजदूर और आदमी की, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको रास्ते में कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे लोगों की सेवा करने का हमें अवसर मिला। हम इस अवसर को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ईश्वर ने हमको प्रेरणा दी और ताकत दी, हिम्मत दी कि तुम जाओ, तुमको कोई कोरोना से डर नहीं, सेवा करोगे तो कोई कोरोना तुम्हारे को छू नहीं भी पाएगा। हमारे परिवार ने भी, हमारे बीवी बच्चों ने भी हमें इजाज़त दे दी कि जाइए आप मुसाफिरों की सेवा कीजिए, भगवान अपने साथ में है, अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना जैसी बीमारी भाग जाएगी। राजेश जी, ये मुसाफिरों की सेवा कब तक जारी रहेगी आपकी? जब तक मुसाफिर यहाँ से निकलेंगे जब तक हमारी सेवा जारी रहेगी। 15-17 दिन से हम सेवा कर रहे हैं और जब तक मुसाफिर रहेंगे तब तक हमारा यहाँ पे भंडारा चलता रहेगा। ये तो हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि मुसाफिर जब यहाँ से निकलते हैं तो बड़े दुखी होते थे, इसको से प्रेरणा लेकर उन्होंने यहाँ पर समाज सेवा का काम किया, चालू किया और उनको भोजन पानी व्यवस्था सारी व्यवस्था उन्होंने की है, उनको बड़ी खुशी होती है और जब तक जब मुसाफिर निकलते रहेंगे तब तक उनकी सेवा करते रहेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस धार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.